हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको अगर आप एस बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब एस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि अगर आप पेटीएम या फ़ोनपे या किसी प्रकार का वॉलेट, जैसे कि अमेजोन पे भी हो गया, किसी प्रकार का बहुत सारे वॉलेट हैं, उसमें आप इसमें ऐड मनी करते हैं, तो आपको जो है कोई भी इस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फाइनली HDFC की तरह SBI ने भी इस पर रोक लगा दी है कि आप वॉलेट में लोड करोगे और जो भी ट्रांजेक्शन करोगे तो इसमें कोई भी कैशबैक या इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे हम पहले से जानते हैं कि EMI के ट्रांजेक्शन और पेट्रोल में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और किसी किसी कार्ड में तो ये भी होता है कि आप गोल्ड में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि गोल्ड परचेस करते हैं, तो इस पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कारण की कि किस वजह से SBI ने इसमें रोक लगा दिया। तो SBI ने हो सकता है देखा होगा कि वॉलेट लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है उससे इंश्योरेंस का पेमेंट किया जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि COVID-19 की वजह से हो सकता है कई लोगों ने जो क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में लोड किया, वॉलेट में लोड करने के बाद इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो SBI कार्ड ने देखा होगा कि इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो यही कारण है इसको रोक लगा दिया है। ये जो है रोक जो है 1 जुलाई से रोक लगा दिया गया है। तो 1 जुलाई के बाद जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब कि वॉलेट में ऐड करेंगे, तो कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।